नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे RRB NTPC। लोगों का बहुत देर से इंतजार था, कई लोगों का इंतजार है RRB NTPC 2024 का कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम डेट कब होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं NTPC 2024, तो अभी फुल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, हाँ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसका लगभग 30 जुलाई कुछ ऐसे ही अभी शायद उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप का डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ। सीट अच्छा खासा है, लगभग लगभग 7,000-8,000 सीटें हैं। तो जिन भी लोगों को इसके बारे में जो लोग इंतजार कर रहे हैं दिनों से कि कब NTPC आएगा, क्योंकि NTPC में लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के सभी पोस्ट होते हैं ऑफिशियल वर्क मोस्टली, और एक उसमें TMR का भी होता है जो कि फील्ड वर्क होता है। तो हम इसका एग्जाम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अगर एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न में अगर आप देख लीजिए, अभी एग्जाम पैटर्न मतलब डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, हाँ लेकिन जैसे अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आते थे एग्जाम में। उस एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहता था, उस 100 क्वेश्चन में लगभग 35 रीजनिंग हो जाता था, रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस करके। फिर उसके बाद 35 का लगभग एप्टीट्यूड हो जाता था, मैथ एप्टीट्यूड मैथ ऐसा हो जाता था, और लगभग 30 क्वेश्चन रहता था उसमें GK जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज बोल सकते हैं जो भी हो। जनरल नॉलेज में लगभग लगभग आपके सभी जितने भी GK से रिलेटेड है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सभी था। लेकिन मोस्टली आपको जनरल नॉलेज में क्या करना है तो वो तो जनरल का जो भी स्टैटिक पोर्शन है डोसेंट का, वो भी कवर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जनरल नॉलेज में उसको कवर कर सकते हैं, आराम से किया जा सकता है। इसमें मेन जरूरी है आपको प्रैक्टिस का, अगर क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में अब देखिए कितने का टाइम कितना दे देता है, 120 मिनट देता है या 60 मिनट का पेपर, कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितना टाइम देता है, क्योंकि जिसे SSC का पैटर्न है उसमें तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट रहता है, लेकिन इसके में थोड़ा टाइम रहेगा, टाइम अच्छा मिलेगा थोड़ा उससे उसके कंपेयर में। तो इसके लिए आपको रीजनिंग और ये रीजनिंग का 35 क्वेश्चन के लिए अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स का जो 35 क्वेश्चन है इसके लिए अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जो GK का लगभग 30 क्वेश्चन है इसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा नहीं कि ये सही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या है GK एक होता है, लोग कहते हैं याद करना पड़ता है बहुत चीज़ें, तो याद कुछ नहीं करना है, बस वही है। अगर आप मन लगा कर पढ़ रहे हैं ध्यान से, एक ही बार पढ़ते हैं आपको याद रहता है, और रटने की कोशिश में रहते हैं तो रटते हैं 2 दिन में 4 दिन में भूल जाते हैं। जहाँ तक पता ही है कि एग्जाम का डेट का कोई डेट तो हमारा फिक्स रहता नहीं, अभी रहता है कि हाँ इतने तारीख को होगा, फिर होता है कि नहीं कितने तारीख को होगा। और अच्छा दूसरी बात, जैसे कि NTPC की अगर हम बात करें 2018-19 में जो आया था, 2018-19 इसका एग्जाम हुआ कितने 6 मंथ में, 6 मंथ में एग्जाम कंप्लीट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितना चीज़ें याद करें कितने दिन रखेंगे, तो थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बनानी पड़ेगी टॉपिक को लेकर के, क्योंकि बिना समझे सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी बात है, क्योंकि अब रट के कहाँ तक जाएगा कोई भी। हाँ प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स हो गया, और रीजनिंग एक मैथ दूसरा रीजनिंग, ये दोनों का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ये दोनों में अगर अच्छा आपको पकड़ है तो अब GK के लिए अगर इसमें हम देखें GK के अगर सिलेबस की बात करें, जनरल अवेयरनेस अगर बात करें, इसमें अगर हम करंट अफेयर के ही ले लें तो लगभग लगभग 8 to 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर हो जाता है। बाकी उसके बाद फिर बायोलॉजी के ले लो, बायोलॉजी को अच्छा खासा पसंद होता है, 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है, और स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक में अगर बात करें तो स्टेटिक में वही
सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क और बहुत कुछ है। धीरे धीरे आपको सब कुछ करवाया जाएगा इसमें चैनल में। ये सब भी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए करना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। तो मेनली आपका फोकस रहना चाहिए प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस अगर ठीक ठाक कर रहे हैं तो मतलब कि ठीक ठाक चल रहा है। ओके, क्योंकि अगर जीके में आपको सब नहीं आता है तो फिर अगर आप जीके में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जाकर के ये मैथ, क्योंकि अगर आप जीके में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसको कवर करके कुछ हद तक मार्जिन आंसर कर सकते हैं। कुछ हद तक क्या 70 नंबर का है, इसमें से 60 लगभग नंबर, 55 से 60 नंबर आराम से लाया जा सकता है। ऐसा ही बहुत बड़ा टॉप नहीं है कि हाँ कि 50 नंबर भी लाना मुश्किल है उसमें से। 50 से 60 नंबर का उसको टारगेट रखिए और 50 से 60 इन दोनों का, और बाकी बच्चा जो जीके या जनरल लेवल है जो भी बोलिए इससे लगभग 30 में 30 तो हम नहीं बोलेंगे, अब या कोई भी नहीं बोलेगा, आप खुद भी नहीं बोलिएगा चाहे कितना ही पढ़ लीजिए, जो भी कैरेक्टर है सो है ठीक। तो इसमें से आप 20 से 25 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, तो वह कटा आराम से क्लियर हो जाएगा। लेवल 70 से 75 नंबर, 70 से 80 नंबर भी इसके लिए नहीं करेंगे, इतना में टीयर 1 का कटा हो जाएगा। आज का टीयर 1 जो अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं स्टेज 1 को, तो स्टेज 2 में आपको ज़्यादा लोड पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। और अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा करना है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेंट अफेयर अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये कहना है कि एग्जाम आ गया है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, इसका एग्जाम भी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का आप देख ही रहे हो, इतना जल्दी नोटिफिकेशन आने का मतलब क्या है आप सभी लोगों को पता है। तो बस मौका मिला है चौका मारिया, बीच में इंतजार मत कीजिए। थैंक यू, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।